हरे कृष्ण। तो 26 तारीख को हम जानते हैं राधाष्टमी है, लेकिन उसके 2 दिन पहले ललिता षष्ठी है, यानी राधा रानी के जन्मदिन के 2 दिन पहले ललिता जी का जन्मदिन है। तो ललिता जी के बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं कि राधा कृष्ण के सबसे कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर्स में से ललिता जी आती हैं। और हम जैसे जानते हैं कि ललिता जी चैतन्य लीला में स्वरूप दामोदर गोस्वामी के रूप में हैं, और उनकी सबसे मेन असिस्टेंट जो मंजरी है वो श्री रूप मंजरी है, और वही श्री रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी के रूप में चैतन्य लीला में आए थे, और हम सारे रूपानुगा हैं, यानी हम सारे रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स हैं। तो इसलिए हमारा कनेक्शन ललिता जी से, राधा कृष्णा के लिए हमारा कनेक्शन ललिता जी के थ्रू जाता है। तो रूप गोस्वामी और ललिता जी के थ्रू हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसलिए ललिता जी के बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, इस दुनिया में कोई भी सेवा करने के लिए एक्चुअली 4 चीजें चाहिए होती हैं। ये एक सेवक चाहिए होता है जो सेवा करे, फिर स्वामी चाहिए जिसकी की सेवा हो, और फिर वो वस्तुएं चाहिए होती हैं जिनसे की सेवा होती है, और सेवा अभिलाष चाहिए होता है, यानी सेवा करने की इच्छा। इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह डिवोशनल सर्विस करने के लिए भी इन 4 चीजों की जरूरत होती है। मास्टर, सर्वेंट, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्विस एंड द डिजायर टू सर्व, ये 4 चीजें। तो 3 चीजें तो हमारे पास आराम से हैं, कि मास्टर भी हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड भगवान कृष्ण हमारे मास्टर हैं, तो स्वामी हैं, सेवक, सेवक तो हम खुद ही हैं, और वस्तु जो भी फैसिलिटीज हमें चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए वो सब भगवान ने दिया है। लेकिन एक चीज जो हमारे अंदर लैक करती है हमेशा, वो सेवा अभिलाषा, यानी सेवा करने की इच्छा। सेवा करने की इच्छा हमारे अंदर हमेशा लैक करती है, क्योंकि हम पूरा ऊपर से नीचे तक भोग अभिलाषा से बने हुए हैं, है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि लैक कर रहा है, और यही अगर हम अपने अंदर डेवलप कर लें तो बहुत आराम से हम राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश पा सकते हैं। जैसे ललिता अष्टक ये रूप गोस्वामी ने लिखा था, तो उसके रूप गोस्वामी वही जो रूप मंजरी और ललिता सखी के मेन प्रिंसिपल असिस्टेंट मंजरी हैं, तो वो ललिता जी को ग्लोरीफाई करते हुए एक ललिता अष्टक लिखे हैं, यानी 8 वर्सेस इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ ललिता सखी। तो वो 7वें श्लोक में ये बताते हैं कि अगर हमें थोड़ा भी सेवा का अभिलाष हमारे हृदय में प्रकट हो जाए तो ललिता जी हमें ले जाएंगी। जैसे हम कल भी देख रहे थे कि वास्तव में ललिता जी का ये कार्य रहता है कि वो देखते रहती हैं ब्रज में कि कौन सी गोपी है जो स्वपक्षीया है। स्वपक्षीया गोपी मतलब कि जो राधा रानी को फेवर करती हैं, और विपक्षीय गोपी जो राधा रानी के अपोजिट साइड चंद्रावली देवी के साइड में होती हैं, और कुछ तटस्थ होती हैं यानी न्यूट्रल होती हैं। तो ललिता जी देखते रहती है कौन सी गोपियां स्वपक्षीय गोपी हैं, यानी राधा जी के साइड में हैं, और उन गोपियों को वो जा करके श्रीमती राधा रानी को रिकमेंड कर देती हैं, और फिर राधा रानी को उन्हें लेना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार ललिता जी जड़ जगत में भी देखते रहती हैं कि किसके किसके अंदर थोड़ा सा भी सेवा अभिलाष है। अगर हमारे अंदर सेवा अभिलाष है तो फिर ललिता जी हमें रिकमेंड कर देती हैं कि आप यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को रिकमेंड कर देती हैं कि आप इसे अपने पास बुला लीजिए, और हमें उस प्रकार से राधा रानी और भगवान कृष्ण की सेवा में उनके जो अंतरंग लीलाएं हैं उनमें एंट्री करने का
मौका मिल जाता है। तो ललिता जी का क्या इम्पोर्टेंस है राधा कृष्ण की लीला में, ये हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे कुछ लीलाओं के माध्यम से, जो बहुत ही कुछ मधुर लीलाएं हैं ललिता जी की, उनमें से कुछ लीलाओं को मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इन लीलाओं को सुनने से पहले इतना हमें पता होना चाहिए कि ये लीलाएं बहुत ही एग्जॉल्टेड लीलाएं हैं, और ये दीज आर द पास्ट टाइम्स ऑफ प्योर लव, है ना। तो मटेरियल सेंसेस से हम अपने मटेरियल विजन से इन्हें एनालाइज करेंगे तो हो सकता है कि हम कुछ अपराध कर बैठे हैं, प्रॉपरली समझ नहीं पाए। तो हमें इन्हें सुनना चाहिए जैसे कि हमारे आचार्यों ने इन्हें प्रेजेंट किया है, और इन लीलाओं की हमें पूजा करनी चाहिए। तो हम जैसे जानते हैं कि हमारे ट्रांसेंडेंटल न्यूज रिपोर्टर नारद मुनि वो अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं, इधर का खबर उधर बताना, उधर का खबर इधर बताना, इन सारी चीजों में नारद मुनि बहुत माहिर हैं। तो इसी तरह नारद मुनि घूमते घूमते ब्रज में भी पहुंचे, और श्रीमती राधा रानी तो साधुओं की सेवा करती ही थी, तो श्रीमती राधा रानी नारद मुनि को देख करके उनसे बात करती हैं, उनकी सेवा भी करती हैं, बहुत कुछ करती हैं। तो ये बात एक बार भगवान कृष्ण को पता चलती है कि नारद मुनि आए हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी थोड़ी सेवा कर रही हैं। तो भगवान कृष्ण आकर के राधा रानी को बोलते हैं, अरे तुम इस साधु के साथ इतना समय क्यों बिता रही हो? तो बोले कि क्यों, ये तो बहुत अच्छे साधु हैं। बोले अरे मैं जानता हूँ ये हमारे भक्त हैं नारद मुनि, लेकिन ये झगड़ा लगाने में बहुत माहिर हैं, ये किसी के बीच में भी झगड़ा लगा दें, और मुझे डर है कि अगर तुम इनके साथ ज्यादा रहोगी तो फिर हो सकता है कि हमारे बीच में भी ये झगड़ा लगा दें। तो बोले कि नहीं 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 ऐसा हो सकता है क्या, हम लोग तो दो शरीर एक आत्मा है। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी, तो तत्व वाइज राधा रानी बोल रहे हैं कि हम लोग तो एक ही है, हमारे बीच में झगड़ा कैसे हो सकता है। तो फिर भगवान कृष्ण बोले, देखो भाई मेरा ड्यूटी था बता देना, मैंने बता दिया, अब बाकी तुम्हारी इच्छा। तो हम देखते हैं जैसे कि अभी अभी झूलन यात्रा हम मनाए थे 4 दिन के लिए, तो झूलन यात्रा के समय मतलब वो एक थोड़ा गर्मी का मौसम रहता है वृंदावन में, और वृंदावन में मतलब गर्मी का मौसम है तो आपको उस समय इलेक्ट्रिसिटी फैन तो ऐसे है था नहीं, तो दो ही तरीका है अपने आपको गर्मी से बचाने का, या तो पंखा चलाइए, पंखा को हिलाइए, या खुद को हिलाइए। तो पंखा हिलाएंगे तो आपको हवा लगेगी, या खुद को हिलाएं, खुद को हिलाने का मतलब कि झूला झूलिए। तो वही हमारी झूलन यात्रा होती है जब राधा कृष्ण उस समय बैठ करके झूला झूलते हैं। तो इस प्रकार से वो झूलन यात्रा का उस समय सखियों ने पूरा अरेंजमेंट किया, और राधा कृष्ण को पहली बार झूला झुलाने के लिए उन्होंने पूरा सब कुंजों को तैयार किया, पूरा सजाया, सारा ये कुछ हुआ ललिता देवी के प्रेजेंस में, क्योंकि वही सारी सबसे सीनियर मोस्ट गोपी हैं और सारे गोपियों की शिक्षा गुरु हैं और उन्हें गाइड करती हैं। तो ये सब कुछ हो गया, तो भगवान कृष्ण तो अभी इस बार टाइम पे पहुंच गए, लेकिन श्रीमती राधा रानी को थोड़ा विलंब हो रहा था क्योंकि वो पहली बार जा रही थी, तो थोड़ा अच्छे से मेकअप कर रही थी, और जैसे पहली बार कहीं हम भी जाते हैं तो कहीं अच्छे से मेकअप वेकअप करके जाते हैं, फोटो वोटो खिंचाना होता है उस तरह का। तो श्रीमती राधा रानी भी पहली बार अभी आ रही थी, तो सोच रही थी कि थोड़ा अच्छे से सजेस्ट के जाएंगे, तो लेकिन उनको थोड़ा देर हो रहा था। तो बाकी सखियां और भगवान कृष्ण कुंज में वहीं पर बैठे हुए थे, तब तक नारद मुनि उधर आ पहुंचे, और नारद मुनि वहां पे देखते हैं कि अरे सब कुछ तैयार है लेकिन अभी तक झूलन यात्रा स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर वो पूछते हैं, प्रभु क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? तो फिर भगवान कृष्ण बताते हैं कि अरे अभी तक श्रीमती राधिका तो आई ही नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे झूलन यात्रा। तो वो नारद मुनि तब तक फिर भगवान कृष्ण की स्तुति करना शुरू करते हैं, और इतनी अच्छी स्तुति करते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण फिर पूछते हैं कि नारद तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया, बोलो क्या वर चाहिए? तो नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आप तो जानते हैं आपके भक्तों को कोई वर चाहिए नहीं होता है, वो तो आपकी भक्ति में ही प्रसन्न रहते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ।
तो एक वर मैं आपसे मांगता हूं। तो बोले हाँ हाँ मांग लो, जो मांगोगे वो देंगे। तो बोलते कि जब तक श्रीमती राधा रानी नहीं आती हैं इधर, बने आने में तो लग रहा है अभी थोड़ा और विलंब होगा, तब तक मैं चाहता हूं कि आप ललिता सखी के साथ झूला पर बैठ करके झूला झूले। तो भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है, अगर ये बात है तो चलेगा, ठीक है तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो वो ललिता सखी को फिर लेकर के झूला पर बैठने के लिए जाने लगे। तो ललिता सखी थोड़ा संकोच कर रही थी, कह रही है ये तो श्रीमती राधा रानी के लिए हमने बनाया, मैं कैसे बैठूं। लेकिन भगवान कृष्ण बोले कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, बस आ जाओ तो थोड़ी देर के लिए, ये मेरे भक्त है, मैंने इसे वादा किया है कि इसकी इच्छा की पूर्ति करूंगा तो मैं करूंगा। तो ललिता जी का हाथ पकड़ के भगवान ने झूला पर बैठा लिया और फिर सारी और गोपियां झूला झूलाने लगी और कीर्तन होने लगा, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे, इस प्रकार से लीला चल रही थी। तो नारद मुनि भी वहीं पर थे, वो भी जब जोरदार कीर्तन चल रहा था, पूरा झूलन यात्रा का सेरेमनी चल रहा था, तो वो भी वहां पर थे, वो भी कीर्तन कर रहे थे। लेकिन कीर्तन करते करते अचानक से वहां से गायब हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। गायब हो गए, कहाँ गए? वो श्रीमती राधा रानी के पास गए। तो राधा रानी अभी तक अपना श्रृंगार बस फिनिश ही करने वाली थी, खत्म ऑलमोस्ट हो चुका था। तो वो करने के बाद वो नारद मुनि बोलते, अरे ये तुम क्या कर रही हो, क्यों तुम इतना सज सवर क्यों रही हो आज? तो बोले कि अरे आज पहली बार जा रही हूँ मैं अपने प्रियतम कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए, तो थोड़ा अच्छे से सज सवर के जाना चाहती हो, उन्हें खुशी होगा। तो बोले कि अरे तुम तो पगली हो, अरे झूलन यात्रा तो वहां पे स्टार्ट हो चुका है। तो बोले राधा रानी बोलते, अरे मैं इधर हूँ तो फिर वहां पे यात्रा झूलन कैसे स्टार्ट हो जाएगा मेरे गए बिना? तो बोले कि नहीं, वो सब कुछ हो चुका है, जाओ जरा देख के आना है तो दूर से देख लो, मेरी बात पे भरोसा नहीं है। तो श्रीमती राधा रानी जब दूर से देखती हैं तो देखती हैं सारी सखियां कीर्तन कर रही हैं और राधा और ललिता जी बैठ करके झूला झूल रही हैं। तो ये देख करके राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और उन्हें मान हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ललिता जी, राधा रानी को ललिता जी पर पूरा भरोसा है और ललिता जी को भी श्रीमती राधा रानी पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये जो मान है ये लीला के लिए सिर्फ है ना? तो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी, अगर उनका ये भाव है कि उन्हें लगता है कि कोई गोपी भगवान कृष्ण को मुझसे ज्यादा प्रसन्न करेगी, तो श्रीमती राधा रानी उस गोपी को उसके पैरों पर गिर करके उसे मनाती है कि जाओ तुम कृष्ण के पास जाओ। तो श्रीमती राधा रानी का ये भाव है, लेकिन ये एक ट्रांसेंडेंटल जेलसी है, तो ये इस वर्ल्ड की जेलसी नहीं है। लेकिन ये लीला की स्वीटनेस को बढ़ाने के लिए राधा रानी के उस समय फिर मान हो गया, उन्होंने अपना सारा मेकअप वेकअप निकाल करके फेंक दिया और फिर वहां पर गई नहीं। तो उसके बाद फिर बहुत देर हो गया, जब राधा रानी अभी तक पहुंची नहीं, तो भगवान कृष्ण फिर सोचने लगे बहुत ज्यादा देर हो गई, अभी तक श्रीमती राधा रानी आई क्यों नहीं। तो फिर उन्होंने देखा कि नारद मुनि भी वहां पर नहीं थे प्रेजेंट। तो उन्हें लगा अरे नारद कहाँ चला गया, इसकी इच्छा से तो मैं और ललिता यहाँ पे झूला पर बैठे थे और अभी खुद कहाँ गायब हो गया। तो उन्हें फिर समझ में आया कि अरे जरूर कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। तो वो फिर भागते हुए फिर उधर गए तो राधा रानी को देखे कि अरे राधा रानी तो सारा मेकअप निकाल करके एक जगह मान करके बैठी हुई थी, मान करके यानी रूट करके, थोड़ा गुस्सा करके उस तरह से बैठी हुई थी। तो भगवान कृष्ण जा रहे हैं, उन्हें मना रहे हैं मना रहे, लेकिन वो किसी कीमत पे मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। तो भगवान कृष्ण ने बहुत हाथ जोड़े पैर पड़े, फाइनली बताया देखो मैं कहा था ना कि ये इस बाबा जी के चक्कर में मत पड़ना, ये बाबा जी मतलब कहीं पर भी झगड़ा लगा सकते, देखो तुम्हारे और मेरे बीच में भी लगा दिया। अरे इसी ने तो मुझसे ये मांग की थी कि अरे मैं ललिता जी के साथ झूला पर बैठूं, इसी का तो इच्छा था और इसी को मैंने वरदान दिया था कि जो बोलोगे वो पूरा कर दूंगा, इसीलिए तो ऐसा किया। तो उसके बाद फिर बहुत समझाने के बाद फिर श्रीमती राधा रानी ने अपना मान छोड़ा और फिर झूलन यात्रा फिर आगे कंटिन्यू हुई। तो इस तरह का स्वीट लविंग पास्ट टाइम्स ललिता जी वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट कराती हैं। इसी प्रकार की एक और लीला है कि एक बार भगवान कृष्ण
श्रीमती राधा रानी के को बहुत याद करके मतलब एकदम आतुर हो गए थे, है ना। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण कदंब का जो फूल होता है उसे उसे उसको देख करके, कदंब के जो वृक्ष होते हैं उसे देख करके भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी की याद आती है, और श्रीमती राधा रानी को तमाल के वृक्ष देख करके भगवान कृष्ण की याद आती है। तो या भगवान कृष्ण ने इसी प्रकार एक कदम के वृक्ष को देखा और देख करके उन्हें श्रीमती राधा रानी की बहुत याद आई, और याद इतनी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो जोर जोर से राधे राधे चिल्लाने लगे। जब श्रीमती राधा रानी को बात पता चली कि अरे भगवान कृष्ण उन्हें इतना याद कर रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी भी बहुत आतुर हो गई, और बहुत आतुर होकर के श्रीमती राधा रानी भी फिर वो भी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए वो भी फिर तेजी से आने लगी उनके पास। तो श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण जब इतने आतुरता के साथ एक दूसरे के से मिले, तो मिल करके एक दूसरे को जैसे ही गले से लगाए वैसे ही उन दोनों में ऐसा भाव आया कि दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। उस भाव की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो वहीं पे मूर्छित होकर गिर पड़े। तो ललिता जी तो हमेशा साथ में रहती ही है राधा कृष्ण के, तो और बाकी सारी सखियां भी थी, तो राधा और कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी की साड़ी का एक एंड लेकर के ललिता जी ने भगवान कृष्ण की धोती के दूसरे एंड से बांध दिया। तो फिर 1 घंटे बाद लगभग जब उन्हें वापस अपनी उस चेतना में आए राधा और कृष्ण, फिर उन्होंने अलग अलग बातचीत की, कुछ लीलाएं की। उसके बाद फिर वो जब जाने के लिए उठे तो देखे कि जा ही नहीं पा रहे, राधा रानी भी नहीं जा पा रही है, कृष्ण भी नहीं जा पा रहे हैं। तो घूम करके देखते हैं तो उनके वस्त्र एक दूसरे से बांधे हुए थे। तो ये देख करके सारी गोपियां फिर हंसने लगी। तो फिर भगवान कृष्ण सोचने लगे कि अरे वास्तव में मेरा हृदय तो राधा रानी से के हृदय से बंधा ही हुआ है, लेकिन हमारे वस्त्रों को भी किसने बांध दिया इस प्रकार से। तो उन्हें समझ में आया कि हो ना हो कोई और ऐसा कार्य कर ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ ललिता जी ही कर सकती हैं, वही ऐसा कर सकती हैं जो हमारे हृदय की बात है, उन्हें उसे बाहर प्रकट कर देना, ये एक्सपर्टाइज तो सिर्फ ललिता जी का ही है। तो इतने इंटीमेट हैं ललिता जी कि वो राधा कृष्ण के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनकी लीला को फैसिलिटेट करने के लिए ललिता जी अलग अलग अरेंजमेंट्स करती हैं। तो इसी प्रकार की एक ये बरसाने की लीला है कि अगर आप कभी बरसाना गए होंगे तो वहां पे देखिए एक संकरी खोर नाम की एक जगह है। वास्तव में देखिए जैसे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने ये वरदान मांगा था कि वो बरसाना में रहें, तो बरसाना के वो 4 पर्वत बन गए थे, तो जिसमें से 2 पर्वत हैं बिलासगढ़ और मानगढ़। तो बिलासगढ़ और मानगढ़ ये 2 जो पर्वत हैं इनके बीच का जो हिस्सा है वो बहुत ही संकरा है, यानी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, नैरो स्पेस है, तो उसे बोलते हैं सकरी खोर। तो उस सकरी खोर के मतलब वही तो बरसाना ही एरिया था जहाँ पे सारी गोपियां रहती थी। तो सकरी खोर से मतलब वो सकरा रास्ता है जहां से लोग थोड़ा आया जाया करते हैं। तो वास्तव में बरसाने में जो गोपियां रहती थी वो दूध और मक्खन को बेचने के लिए बाहर इसीलिए निकलती थी क्योंकि इसी बहाने उन्हें लगता था भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, तो ऐसे कोई जरूरत नहीं थी उन्हें जाने की। तो दिन भर तो सुबह से भगवान कृष्ण चले जाते थे जंगल में गाय चराने के लिए, और उसके बाद फिर सीधे शाम को आते थे, तो दिन भर तो दर्शन होता नहीं था, फिर शाम को भी दर्शन नहीं होगा तो फिर गोपियों को बहुत अफसोस होता था। तो इसलिए वो उन्होंने ऐसा प्लानिंग किया था कि ठीक है कि हम लोग शाम को जा करके ही भगवान कृष्ण से ऐसे मिलेंगे। तो वास्तव में उनके घर के लोग ऐसे बोला करते थे कि अरे इतनी क्या जरूरत है जा करके अब ये सारी चीजों को बेचने का, क्योंकि वास्तव में कोई ऐसी जरूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ बोल करके अरे थोड़ा सा बेच करके वापस आ जाएंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो कर लेंगे, इस तरह का कुछ बहाना बना करके कि कुछ तो आ जाएगा, कुछ तो ऐसे बेच लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ बहाना कर करके वो अपने घर का दूध मक्खन दही लेकर के निकल जाती थी वहां पे सारा बेचने के लिए। और पर्पस ये नहीं था बेचने का, पर्पस ये था कि बेचने के लिए सकरी खोर से उधर जाएंगे तो उधर ही आसपास भगवान कृष्ण मिल जाते थे और इसी बहाने उनकी मुलाकात हो जाती थी।
और उनके मटके लेके जाने का भी पर्पज यही रहता था कि वो भगवान कृष्ण उसे चुराने के लिए आए, वास्तव में वो बेचने के लिए लेके जाने का तो सिर्फ एक बहाना ही था। तो भगवान कृष्ण वहीं पे सकरी खोर के पास अपने गोप दोस्तों के साथ खड़े रहते थे, और जैसे ही गोपियां को देखते थे दूर से कह रहे ये लोग आ रही हैं इधर के डायरेक्शन में, तो वैसे ही भगवान कृष्ण वहां पर सोचते थे कि अब कैसे इनसे बात किया जाए, इनका माखन कैसे चुराया जाए। तो वो टैक्स कलेक्टर का बन जाते थे वो लोग। तो वहां पर गोपियां जब आती थी तो उनको रोक करके बोलते थे रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग इधर से जा रही हो और मैं कंदरपुराज के द्वारा अपॉइंट किया गया हूँ और यहाँ से गुजरना है तो जैसे टोल टैक्स होता है रोड पे, यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। तो गोपियां बोलती थी कह रहे तुम्हें किसने अपॉइंट कर दिया, ये कौन कंदरपुराज है, यहाँ की रानी तो हमारी श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी है वो है, तुम कैसे यहाँ के किससे किसके बिहाफ पे टैक्स ले रहे हो। लेकिन नहीं, मैं कंदरपुराज के द्वारा अपॉइंट किया गया हूँ और तो यहाँ से गुजरना है तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। अब और टैक्स क्या है, अपना माखन तुम्हें हमें देना होगा। तो जब गोपियां विरोध करती थी तो वो लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे और फिर पत्थर वत्थर मार के उनकी सारे मटकियां फोड़ देते थे। तो इस प्रकार की वो लीला करते थे। तो एक दिन श्रीमती राधा रानी ने जा करके ललिता जी से कंप्लेन किया, क्योंकि ललिता जी हम जानते हैं राधा कृष्ण दोनों की शिक्षा गुरु थी, दोनों को वो शिक्षाएं देती थी। मतलब इन द सेंस कि जब राधा कृष्ण मिलते थे तो घर पे क्या बहाना करके आना है ये दोनों को बताती थी, कि राधा रानी को भी और कृष्ण को भी, कि कृष्ण को मान लीजिए कभी वापस घर जाने में लेट हो गया तो अब मैया यशोदा को क्या बोलना है, कैसे डील करना है सिचुएशन को, सारी शिक्षा श्रीमती ललिता जी राधा कृष्ण को देती थी। तो वो सारा मास्टरमाइंड जो भी प्लानिंग रहता था वो सारा ललिता जी का ही प्लानिंग रहता था। तो ये ललिता जी का रोल है, ये उनके वो अपने उनका इंटेलिजेंस इतना शार्प है और इतना जबरदस्त वो प्लानिंग करती हैं, और उनका पर्पज यही है कि किसी भी तरह राधा और कृष्ण को मिलाया जाए और उनकी लीलाओं में वो असिस्ट कराती थी। इस प्रकार से श्रीमती ललिता जी किया करती थी। तो जब श्रीमती राधा रानी जा करके ललिता जी को फिर कंप्लेन की, कह देखो ये कृष्ण आता है रोज हमारी मटकियां फोड़ देता है, तो ललिता जी बोली अच्छा ऐसी बात है तो चलो इस बार थोड़ा इसकी खबर लेते हैं। तो बोले कि ठीक है, उन्होंने सारी गोपियों को इकट्ठा किया, जितनी गोपियां थी सबको बुलाए एक साथ, और बहुत बड़ा ग्रुप जब आ गया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक बहुत अच्छा प्लानिंग बनाया, बोला कि सारे लोग अपनी अपनी मटकियां खाली लेके जाएंगे, सिर्फ एक मटकी जो कि बड़ी मटकी होगी पूरी भरी हुई रहेगी, सिर्फ एक मटकी पूरा भरा हुआ अच्छे से लेकर के चलने का, ठीक है, और मैं जब बताऊंगी तो फिर उस समय तुम लोग वहां पे जा करके तुम उस सकरी खोर के एरिया में तुम लोग छुपे रहना और राधिका तुम अकेली वहां से जाओगी अपनी मटकी लेकर के, और तुम लोग छुपे रहना, बाकी गोपियां जब मैं इशारा करूं तो सब लोग बाहर आ जाना। तो फिर सारी गोपियों ने प्लानिंग पूरा अच्छे से समझ लिया और समझ करके फिर वो लोग चल पड़े। तो भगवान कृष्ण तो वहीं सकरी खोर में बैठ करके अपने गोप सखाओं के साथ इंतजार कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अरे आज लगता है कि ये लोग गोपियां आएंगी नहीं क्या, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तो कर रहे थे उन्हें लगा कि लगता है आज ये लोग नहीं आएंगी, तभी दूर से देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी अकेले मटका लिए हुए आ रही हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे वाह यही तो मौका है, कोई और साथ में नहीं है। तो बोलते हैं कि अरे ठीक है जब वो अकेले आ रही है तो फिर इतने सारे लोगों की क्या जरूरत, मैं अकेला जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण फिर बाकी गोपों को छोड़ करके फिर अकेले वहां सामने आ गए और सामने आकर के श्रीमती राधिका से फिर बोले कि अरे मैं तुम यहाँ से जा रही हो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कंदरपुराज के द्वारा अपॉइंट किया गया हूँ, यहाँ पे गुजरने का टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब बात कर रहे थे तभी ललिता जी वहीं पे बैठी हुई थी साइड में उसी जगह पर एक जगह, वो बोलती है कि अच्छा तो आपको किसने अपॉइंट किया है और किसके बिहाफ पर आप टैक्स ले रहे हैं जरा बताएंगे। तो वो बोलते हैं अरे हाँ हाँ बोला तो कंदरपुराज ने मुझे अपॉइंट किया है, उनके बिहाफ पर मैं टैक्स ले रहे हूँ। अच्छा तो आप तो बहुत इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रानी तो हमारी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, आप इलीगल काम कर रहे हैं और इसकी आपको सजा मिलनी चाहिए। तो बोले कि नहीं 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 कोई उसकी जरूरत नहीं है। तब तक ललिता जी तुरंत उठ करके खड़ी हुई, भगवान कृष्ण का हाथ उन्होंने जोर से पकड़ लिया और उन्होंने एक विसल सीटी मारी,
और फिर वहां पे हजारों हजार की संख्या में जितनी गोपियां आसपास छुपी थी सब वहां पर चारों तरफ से आकर के भगवान कृष्ण को उन्होंने घेर लिया। और सिर्फ भगवान कृष्ण को ही नहीं, उन्होंने जाकर के एक एक जितने उनके ग्वाल बाल थे, अब वो लोग 15 लोग के आसपास कुछ रहे होंगे जो ग्वाल बाल थे, और इतनी सारी सैकड़ों गोपियां वहां पर आ गई, सबने आकर के सारे ग्वाल बालों को अरेस्ट कर लिया और भगवान कृष्ण को भी अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद उसके बाद फिर सबने सारे गोपों के जो हाथ थे वो पीछे ऐसे जैसे बांधते हैं वैसे बांध दिए, सारे गोपों के भगवान कृष्ण के सबके हाथ ऐसे बांध दिए। तो उसके बाद और बांध करके लगी उनकी धुनाई करने के लिए अच्छे अच्छे से उन्हें, एक गोपी इधर से मार रही है, गोपी उधर से मार रही है, सारे ग्वाल वालों की सारी गोपियों ने मिलकर के अब एक एक गोप के ऊपर 15-20 तो गोपियां हैं जो मारे जा रही हैं, तो क्या करेंगे बेचारे। लेकिन फिर भगवान कृष्ण को जब मारने के लिए आ रही है तो बोले, अरे ये तो बहुत सुकुमार है, इसको मारेंगे तो सहन नहीं कर पाएगा, इसे कुछ और पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो ठीक है, उनको फिर भगवान कृष्ण को ज्यादा नहीं मारी। लेकिन फिर मधुमंगल फिर बोल रहा था कि अरे मुझे क्यों मार रही, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बस इनके साथ इसलिए आता हूँ, मैं इनके ग्रुप में थोड़ी हूँ, मैं तो इनके साथ इसलिए सिर्फ आया था क्योंकि मुझे लगा कि अरे ये लोग कुछ चुराएंगे उराएंगे तो मुझे भी थोड़ा भोग लगाएंगे, अरे मैं इनके ग्रुप में थोड़ी शामिल हूँ, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को मारोगी तो देखो पाप लगेगा, नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मुफ्त का आशीर्वाद दे दूंगा, पैसा भी नहीं लूंगा, ए ब्राह्मण को मत मारो। लेकिन गोपियां कुछ नहीं सुनी, मधुमंगल को भी उन्होंने लगाया अच्छा खासा। तो इतना कुछ हो जाने के तो भगवान कृष्ण को तो नहीं मारे, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने उन्हें गोप सारे पिट रहे थे। तो अब इसके बाद फिर ललिता सखी बोलती हैं कि ठीक है, ये कृष्ण को कुछ और पनिशमेंट देना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर श्रीमती राधा रानी को बोला कि अपने वस्त्र से पहना दो। तो श्रीमती राधा रानी ने सारा लहंगा एहंगा जो सारा गोपी का वस्त्र होता है वो पहना दिए भगवान कृष्ण को, और कृष्ण को पूरा एक गोपी के जैसा सजा दिया। और वो जो भारी वाला एकदम मटका, जो सबसे हैवी मटका उन्होंने लेके आए थे, वही जो भरा हुआ था, वो दे दिया भगवान कृष्ण को कि चलो इसे उठाओ। बोले कि अरे इतना भारी है मैं उठा नहीं पाऊंगा। बोले उठाओ, ललिता जी ने बोला। तो भगवान कृष्ण ने फिर किसी तरह उठाए, बोले कि चलो अब इस संकरी घोर को तुम इस मटके के साथ पार करोगे। बोले कि अरे इतना भारी है, इतना दूर में कैसे इसको पार कर पाऊंगा। तो ललिता जी बोले चलो डंडा दिखा के, बोले चलो। तो डंडा से मार मार के भगवान कृष्ण को बोले ठीक है चलो पार, किसी तरह पार करने के लिए उनको आगे भेज दिया। तो भगवान कृष्ण किसी तरह इतना भारी मटका गोपी के वेश में उठा करके ऐसे लेके जा रहे थे, और सारी गोपियां देख करके हंस रही थी। तो सारे गोप और भगवान कृष्ण बहुत बुरी तरह लज्जित हो रहे थे। लेकिन इतने पर ही नहीं, फिर ललिता जी ने एक पत्थर उठाया और मारा जोर से भगवान कृष्ण की मटकी पे, और इतना भारी मटकी था, इतना सारा उसमें माखन दूध सब भरा हुआ था, पूरा भगवान कृष्ण का अभिषेक हो गया। तो श्याम सुंदर जो कृष्ण है वो एक्चुअली में पूरे सफेद रंग के हो गए। तो इतना बुरी तरह से जब सारे गोपों की बेइज्जती हो गई, तो उसके बाद फिर वो लोग आकर के गोपियों के पैरों पर गिर पड़े। ललिता सखी ने बोला कि दोबारा टैक्स कलेक्ट करोगे। वो लोग एकदम कसम खिलवाई, कह रहे दोबारा कभी ऐसा कार्य हम नहीं करेंगे, दोबारा कभी हम यहाँ पर किसी गोपी को परेशान नहीं करेंगे, टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे। तो पूरा जब वो लोगों ने कसम खाया, प्रतिज्ञा की कि नहीं ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद फिर गोपियों ने उन्हें जाने दिया। तो ये भगवान कृष्ण की देखिए इतनी मधुर लीलाएं हैं जो दिखाती हैं कि भगवान कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो अपने भक्तों के प्रेम के अधीन किस प्रकार रहते हैं। और श्रीमती ललिता जी का ये एक्सपर्टाइज है कि वो इन लीलाओं का पूरा बैकग्राउंड करती हैं। अब देखिए ललिता जी का इतना मतलब एग्जॉल्टेड पोजिशन है कि इवन राधा कृष्ण उनको अपना शिक्षा गुरु के जैसा मानते हैं, और ललिता जी को हक है कि वो राधा रानी को भी डांट सकती हैं, कृष्ण को भी डांट सकती हैं कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुआ, और दोनों राधा और कृष्ण दोनों थोड़ा डरते हैं ललिता जी से। लेकिन उन्हें पता है कि ये ललिता जी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं, हमारी सबसे ज्यादा मतलब हितैषी हैं, बहुत इंटीमेट वेलविशर हैं, इसलिए वो ललिता जी से हमेशा मतलब उनकी कही हुई बातों को मानते हैं, और अगर वो डांटती हैं तो उस डांट को वो सुनते भी हैं। तो ललिता जी सब गोपियों की शिक्षा गुरु हैं, और इवन राधा कृष्ण के भी शिक्षा गुरु हैं। यानी कभी कभी कोई सिचुएशन फंस जाए, समझ में नहीं आए कि अब इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाए,
या कहीं भी कोई सिचुएशन ना मिले कि अरे कैसे छुप करके मिला जाए राधा कृष्ण को, तो ललिता जी पूरा मास्टरमाइंड प्लानिंग करती हैं उसका, है ना। तो देखिए ललिता जी का जन्मदिन 24 तारीख को है, उसके 2 दिन बाद राधा अष्टमी है, तो हमें श्रीमती राधा रानी से तो हम 26 तारीख को उनके भक्ति की प्रार्थना करेंगे, और 24 तारीख को ललिता षष्ठी के दिन हमें ललिता जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमारे अंदर जो भोग अभिलाष पूरा भरा हुआ है वो सेवा अभिलाष में कन्वर्ट हो जाए। यानी हमारे अंदर तो सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो मिसिंग है, यानी हमारे पास सब कुछ है, सेवक भी है, स्वामी भी है, और सेवा करने की वस्तु भी है, लेकिन एक चीज नहीं है कि सेवा अभिलाष नहीं है, हमारे अंदर भोग अभिलाष है। तो हमें ललिता जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस दिन हमें वो सेवा अभिलाष, ये सेवा अभिलाष का हमें बेनिडिक्शन दे। बर्थडे के दिन जनरली लोग अच्छे मूड में रहते हैं, और वैदिक कल्चर के हिसाब से उस दिन लोग दान देते थे, आज बर्थडे के दिन लोग लेते हैं गिफ्ट, लेकिन उस दिन लोग दान देते थे। तो इसलिए जब भी राधा रानी कृष्ण या फिर ललिता जी इन लोग का जन्मदिन है, तो उनसे हम उस दिन कुछ अगर सच्चे दिल से मांगेंगे तो जरूर हमें कृपा जरूर मिलेगी। तो 24 तारीख को एक ये प्रार्थना हमें जरूर करना चाहिए ललिता जी से कि हमें सेवा अभिलाष वो प्रदान करें, और सेवा अभिलाष जब वो प्रदान कर देंगी तो खुद ही वो हमें रिकमेंड कर देंगी राधा कृष्ण को कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस प्रार्थना को हमें थोड़ा मन में रखना चाहिए। तो आज के लिए फिर हम अपना सेशन यहीं पे फिर फिनिश करते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं, किन्हीं के कुछ प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम फिर एंड करेंगे। ठीक है, तो हम फिर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय।